नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के फैन हैं तो एक बुरी खबर है। खबर है कि शमी को अब कभी T20 इंटरनेशनल मैचों में नहीं खिलाया जाएगा। जी हां, ये काफी हद तक बिल्कुल सच दिखाई दे रहा है। शमी को आगामी T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलेक्टर्स दो पेस बॉलर्स के बीच युवा गेंदबाजों को मौका देना चाहते हैं। इसमें मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भुवनेश्वर कुमार के साथ उनके पास दीपक चाहर, हर्षल पटेल और अर्शदीप जैसे ऑप्शन हैं। सिलेक्टर्स ने शमी को T20 विश्व कप 2021 में आखिरी बार चुना था। इसके बाद से वो शमी के T20 में सिलेक्शन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही हैं। एक इंटरव्यू में सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर ने कहा, शमी की उम्र कम नहीं हो रही है और हमें टेस्ट के लिए उन्हें नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है, इसलिए उनके नाम पर T20 के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। हमने उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर T20 विश्व कप के बाद उनके साथ बातचीत की है। ऐसा ही अब होने जा रहा है। फिलहाल उनकी T20 की योजना नहीं है और अब ध्यान युवा गेंदबाजों पर होगा। मोहम्मद शमी की उम्र इस वक्त 31 साल है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 17 T20 मैच ही खेले हैं। उनके खाते में 18 विकेट्स हैं, जबकि इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट रहा है 9.55। वहीं बात करें नए तेज गेंदबाजों दीपक चाहर, हर्षल पटेल और अर्शदीप की, तो पिछले कुछ समय में तीनों ने ही अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को काफी खुश किया है। दरअसल सिलेक्टर्स चाहते हैं शमी की स्विंग के साथ साथ तेजी का इस्तेमाल टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में ज्यादा से ज्यादा हो और वो उन्हीं दोनों प्रारूपों में फोकस भी करें।